चलिए, आज का टॉपिक ज़्यादा लेंथी हो सकता है। ज़्यादा लेंथी मतलब 1 आवर पकड़ सकता है और 1 आवर से आगे भी जा सकता है। टॉपिक हमें पूरा करना है। जैसा कि आप देख सके हो, टॉपिक का नाम क्या है? मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। हमें मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन कंप्लीट करना है। लेंथी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपनी कक्षा को। मैं डस्टर मार्कर वगैरह उठा लेता हूँ। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। लेंथी टॉपिक है विद्यार्थीगण, खतरनाक टॉपिक है। ठीक है, आप डाल लीजिए मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशंस। हाँ जी, बीएससी का ही टॉपिक है, अलेक्जेंडर ब्रिलियंट एकेडमी जी, बीएससी फर्स्ट ईयर। देखिए दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ दिख रहा है, मैक्सवेल, आर यू लिसनिंग टू मी? मैक्सवेल थर्मो डायनामिक रिलेशंस अपने आप में बहुत खतरनाक टॉपिक, एक अलग से फिजिक्स समाहित किए हुए टॉपिक है। ठीक, इसे चाहूँ तो मैं छुड़वा सकता था। हाँ, ये जूल कोफिशियंट, जूल कैल्विन इफेक्ट, लिक्विफैक्शन ऑफ हीलियम, ये मैंने बोला है ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, पहले आप डेरिवेशन कंप्लीट कर लीजिए। निखिल मौर्या जी बेफिक्र रहिए, हमें आपसे ज़्यादा पता है सिलेबस का। ठीक, ध्वनि फैन। ठीक। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम। ठीक ध्वनि जी, कितनी बार कमेंट करोगे? चलिए, यूट्यूब की मिस्टेक होते हैं, एल्गोरिथम जो बार बार रिपीट कर देता है। ठीक, स्वेटनी पांडे जी हेलो। चलिए हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। लिखिए लिखिए क्या, सुनिए कि मैक्सवेल ने क्या किया था। मैक्सवेल इस्टैब्लिश्ड फ्यू रिलेशंस, यानी कि इन्होंने कुछ रिलेशन इस्टैब्लिश किए थे, फ्यू रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर रिलेशन जस्टिफाई किए थे इन्हें? ठीक है, इन्होंने किसके बेस पर किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक लॉज, या आप ऐसे लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फुल स्टॉप। दीज रिलेशंस आर नोन एज, ये तो सिंपल सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं होती डेरिवेशन में कभी भी। आर नोन एज, अगर आप सोच रहे हो आपने लैंग्वेज रट ली, महाभारत का काम कर लिया, तो डेरिवेशन में कभी भी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं होती, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी में। पंकज जी, आज टीजीटी की क्लास मिलेगी आपको। ठीक, मैक्सवेल इस्टैब्लिश फ्यू रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दीज रिलेशंस आर नोन एज मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशंस। मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशंस, ठीक। अब हम इनका प्रूफ करेंगे, ये रिलेशंस थे क्या, सारी चीजें करेंगे। अब थोड़ी देर काम छोड़ दो। बबीता जी, आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए, मैंने पहले भी बताता हूँ, वीडियो पे 3 डॉट है वहाँ पर टिक कीजिए, और क्वालिटी का ऑप्शन होगा उसे 360 से ऊपर कीजिए, 360, 720, 180, 1080, जो भी आपको है, लेकिन 360 से ऊपर रखिए। ठीक है, तो बबीता जी आपके नेटवर्क में इशू है फिर? ठीक है, मोबाइल नेटवर्क में इशू है आपके। चलिए हम कर रहे हैं अपनी क्लास स्टार्ट। नोन एज मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन। अब थोड़ा सा शांति से आ जाओ, हाथ को आराम दे दो, सारा काम समझने का है। ठीक, अब मैं आ रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट लॉ, ये हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये आपको पता है, आपने पहले भी चर्चा की है। क्या? जब आप किसी को हीट देते हो, सुनना, जब आप किसी को हीट देते हो, तो वो हीट 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होती,
कुछ पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। अरे बेसिक सी चीज़ है, हमने डिस्कशन किया था आपको पंखा चलाना है, तो जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे क्या उससे पंखा चलेगा? नहीं भाई, कुछ इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है वायर में, रेजिस्टेंस के थ्रू और मोटर में, तो 100% हीट 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। उसका रेस्ट पार्ट यानी कि कुछ हिस्सा वर्क के साथ साथ इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। अब देखो आपका डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्व टू डी यू, इधर आके माइनस का हो गया, तो मेरे पास डी यू इक्व टू क्या बचता है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अब इनके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा परिचित हो, सिंपल सी चीज, बहुत ज़्यादा आप इनसे परिचित हो। कैसे परिचित हो आप? परिचित हो, मैं क्या अपनी क्लास ली थी कल? नहीं अंसार जी, कल मैंने किसी भी क्लास नहीं ली, मतलब कोई से भी ईयर के लिए। तो अब आप भली बात ही परिचित हो, क्या परिचित हो, डी यू इक्वस टू डी क्यू किसके बराबर होता है, टी डी फाई के, माइनस डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी डी वी के। बताओ इससे आप परिचित हो या नहीं? वेहर फाई क्या है, एंट्रोपी, फाई क्या है, एंट्रोपी, और वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। दो दिन से मैं इनके बारे में बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आप भली भांति परिचित हो कि एंट्रोपी जो होती है वो होती है हीट गिवन और टेकन, हीट गिवन और टेकन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो फाई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वस टू क्या होगी थी, फाई टी होगी थी। तो आप क्या करोगे, फिर डिफ्रेंशिएशन कर दो। ये सब मैंने अच्छे से डिस्कशन की हुई है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक। जिनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है वे भाई देखिए बाद में देख लीजिए, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, ठीक। ये देखिए हमारे पास ये आ गई। अब मैंने क्या मान ली, से इक्वेशन नंबर वन मान ली। ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मैंने नहीं किया, तो किया किसने, भूत ने? नहीं, ये सब किया था मैक्सवेल जी ने। तो जो मैक्सवेल जी ने किया था वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। मैक्सवेल जी ने आगे क्या किया, मैक्सवेल जी ने लेट मान लिया यू फाई एंड वी आर द फंक्शन, इन्हें फंक्शन मान लिया, आर द फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन मान लिए ये भाई, दिख रहा है नीचे, दिख रहा है थोड़ा सा, बस यहां को लिख देता हूं, आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इन्होंने यू फाई और वी को एक्स एंड वाई का फंक्शन मान लिया, ठीक। देखो अब सिंधे सी चीज, इसका मतलब आपका जो u है वो u नहीं रहा, एक्स वाई का फंक्शन हो गया है। सिमिलरली जो आपका v है वो v नहीं रहा, वो एक्स वाई का फंक्शन हो गया है, यानी कि ये बदल गए हैं, ये मॉडिफाई हो गए हैं। ऐसे ही आपका फाई फाई नहीं रहा, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, क्योंकि पीडीएफ से कभी पढ़ाई नहीं होती प्यारे, पीडीएफ से कभी पढ़ाई होती ही नहीं है, सिंपल सी चीज ये है। मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री, भाई आपको एक पुरानी चीज समझाता हूं, मेरे पास ए है जो एक्स वाई का फंक्शन है, इसे पुरानी चीज है बता रहा हूं, मुझे क्या है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। देखो मेरे पास ए है जो कि मैंने एक्स वाई का फंक्शन मान लिया है, मुझे फंक्शन मान लिया है, मुझे क्या करना है, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे भाई, डी ए आ गया इधर, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल सीख लो नहीं तो मिस्टेक कर जाओगे, आप पार्शियल कर सीख लो नहीं तो डिफरेंस मिस्टेक कर लोगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, पहले ए का एक्स के रेस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट, और यहां जब ये किया तो डी एक्स नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई करते हैं, मैथ वाली चीज है, मैं सिखा रहा हूं सीख लो। प्लस अब ए का y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट, ठीक, क्यों बाद में अगर हमें वैल्यू वापस से ये लानी है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन के पीछे ये फैक्टर लिखने पड़ेंगे ताकि मुझे वापस से यही मिल जाए। बताओ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, जब मैं कंप्लीट करूंगा dx से dx कट जाएगा, dy से dy, क्या बचेगा, da बराबर da dx da, यही तो बचेगा वापिस से सारा तामझाम, ठीक समझो मैं क्या बताने की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो डी ए पार्शियल डिफरेंशियल होता है, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट, हम जल्दी जल्दी में ये कर देते हैं, ये
हमने डी ए का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या वाई कॉन्स्टेंट, प्लस ए का वाई के रेस्पेक्ट में क्या एक्स कॉन्स्टेंट, जो कि एक गलत चीज है। हमारे मैथ्स टीचर भी यही बता देते हैं कि जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको ये सब नहीं करना, आपको यहाँ पर फिर वापिस से इस वैल्यू पे जाना है, तो यहाँ डी एक्स का डेल एक्स ही लेना पड़ेगा, लेकिन हमने यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट नहीं लिया, तो इन्हें कंप्लीट करते हैं। ध्यान रखना ये वाला तरीका। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है कंप्लीट, ये होता है कुछ मैथ टीचर यही बता देते हैं बस, इनका यूज नहीं कराते, गलत बता रहे हैं वे, ध्यान रखना इस चीज का। मैं रफ कर देता हूं इसे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन वन का, ठीक, फिर सेकंड का करेंगे, फिर थर्ड का करेंगे, ठीक। अब फर्स्ट से करते हैं हम, फर्स्ट का तो डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत ध्यान से समझना, डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले डी यू का एक्स के रेस्पेक्ट में वाई कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स प्लस, देखो हम मैथ भी चला सकते हैं, लेकिन मैथ आप ज्यादा पढ़ ही रहे होंगे तो हम इस वजह से मैथ पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। डेल यू ओवर डेल एक्स वाई कॉन्स्टेंट डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम सेकंड, सॉरी ये भाई इक्वेशन उल्टी मान लिया, अभी किसी ने बताया, थैंक यू जिसने भी बताया, ठीक, क्योंकि फर्स्ट तो हम इसे मान चुके हैं ऑलरेडी। अब थर्ड इक्वेशन का कराओ भाई, क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू वी का एक्स के रेस्पेक्ट में वाई कॉन्स्टेंट डी एक्स प्लस वी का वाई के रेस्पेक्ट में एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई। देखो भाई सिंपल सी चीज है, जो क्लास के बीच में जुड़ेगा उसके सिर से जाना ही जाना है, इसलिए कहता हूं क्लास के बीच में ना जुड़ा करें, या तो पीछे की वीडियोस देखें, पीछे की वीडियोस देखें। यहां तक मैं निकाल चुका हूं भाई, ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन छोड़ चुका हूं। हाँ अब हम फोर्थ का करते हैं, ठीक है। अब हम फोर्थ का डिफरेंशिएशन करते हैं, फोर्थ का कराओ, कितना होगा, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई, हो गया। अब मेरे पास देखो डी यू की वैल्यू भी है, डी वी की वैल्यू भी है, डी फाई की वैल्यू है, डी यू डी फाई डी वी, ये सारी वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट करता हूं। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज, भाई बहुत लेंथी डेरिवेशन है, इसीलिए मैं कह रहा था ये 1 आवर से ऊपर भी पहुंच सकती है वीडियो, तो भाई जुड़े रहे, ठीक है। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, अंसार जी असल में समस्या यह है, मैथ पढ़ाने के लिए टाइम नहीं होता आपके लिए, देखो हम बस फर्स्ट ईयर को ही टाइम दे पा रहे हैं 2-3 दिन से, ना तो टीजीटी की क्लास हो पा रही है ना ही थर्ड ईयर की, और बेचारे सेकंड ईयर वाले तो डेली पूछते हैं, उनके तो काफ़ी टाइम पहले बंद हो गई थी, तो हम करेंगे आपका सेटलमेंट मैथ का भी, देखते हैं चलो कुछ। अब वैल्यू पुट कराओ डी यू, डी यू की वैल्यू ये रही, पुट कराओ डी यू की वैल्यू फटाफट, डी यू की वैल्यू पुट कराओ, डेल यू ओवर डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई, देखो भाई अपनी कॉपी पे साथ साथ करते चला करो, इज इक्वल टू टी डी फाई, इज इक्वल टू टी डी फाई, टी मैंने ऐसा कैसे रखा, डी फाई की वैल्यू ये रही, डी फाई की वैल्यू ये रही, लगवाओ टी फाई की वैल्यू, डेल फाई ओवर डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी, डी वी की वैल्यू रखवाओ, डी वी की वैल्यू रखवाओ, डेल वी भाई कॉपी पे आने का नहीं है, आप थोड़ा सा नीचे लिख लेना, ठीक है, को बोर्ड तो काफी बड़ा है इस पे ही नहीं आ रहा, प्लस डेल वी ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई, बताओ दिख रहा है कॉर्नर तक, कॉर्नर तक दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं नीचे के हिस्से को, क्योंकि हमारा यही काफी हो गया है भाई, एक लाइन अब मैं गायब करूंगा, आप चाहो तो लिख लेना, कौन सी लाइन,
अब इनकी मल्टीप्लाई करके सुनना, अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिखोगे टी की इसमें भी इसमें भी, पी की इसमें भी इसमें भी, ये माइनस बाहर अंदर चला जाएगा। ये लाइन चाहो तो आप कर लीजिए, लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ऑन कंपेयरिंग, मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूं। ऑन कंपेयरिंग किसकी कंपेयरिंग, द कोफिशियंट, द कोफिशियंट। भाई मैं एक इक्वेशन पे पहुंचा रहा हूं, उस इक्वेशन से आपके मैक्सवेल के रिलेशन दो मिनट में आ जाएंगे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ dx एंड dy, मैं इनके कोफिशिएंट की कंपेयर कर रहा हूं। देखो इधर dx की मल्टीप्लाई में क्या है, डेल u ओवर डेल x एट कॉन्स्टेंट y इज इक्वल टू, इधर क्या है dx की मल्टीप्लाई में, ये और ये, मैं दोनों लिख रहा हूं, T डेल फाई ओवर डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। एक तो ये हो गया dx का कोफिशियंट, एक dx का ये हो गया। भाई पहले ये बताओ, ये जो बात मैं कर रहा हूं सारी, ये समझ में आ भी रही है या मैं वैसे ही अकेला लगा पड़ा हूं। dx के तो ये हो गए, अब dy के करो। dy के लिए इधर क्या है, डेल u ओवर डेल y एट कॉन्स्टेंट x इज इक्वल टू, यहां कितना है, t डेल फाई ओवर डेल y एट कॉन्स्टेंट x माइनस p डेल वी ओवर डेल वाई इंटू एक्स। समझे क्या किया मैंने, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने डी एक्स के कोफिशियंट की मल्टीप्लाई कंपेयर की और डी वाई के कोफिशियंट की कंपेयर की। अब सिंपल सा एक चीज देखो, कुछ के दिमाग में चल रहा होगा डी एक्स क्यों नहीं लिखा, आप चाहो लिख लो, हालांकि हमने कोफिशियंट की कंपेयर किया, आपका मन है आप लिख लो, डी एक्स इधर भी तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो। अब मेरी ये मेन इक्वेशन आ गई है भाई, ये मैंने मेन इक्वेशन आ गई, इसे मैं क्या, अब तक हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ आ गई है और ये इक्वेशन सिक्स। अब मैं दोनों की साइडें इक्वल करता हूं, दोनों साइड में इक्वल करता हूं, ठीक है, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही सही माना जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों में समस्या होती है तो उनके लिए बताया मैंने, क्योंकि भाई पता समस्या क्या है, कुछ स्टूडेंट्स चाव चाव में यार दोस्तों के चक्कर में बीएससी में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि भाई हमने तो गलत चीज ले ली। वो कहते हैं ना सीने पर उड़ता तीर ले लिया उन्होंने, दोस्तों के चक्कर में बीएससी ले ली और बड़ी समस्या कर रही है, ठीक। आओ चलिए, ड्रीम यूपीएससी जी गुड इवनिंग। अब मैं दोनों साइड को इक्वल करता हूं, दोनों साइड को इक्वल कैसे करूंगा, देखो पहले तो मैं इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर दूंगा, मैं इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर दूं और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या डिफरेंशिएशन। अब मैं जो कराऊ, मुझे इसमें अपोन में वाई चाहिए तो मैं इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक। यहां दिख रहा है पूरा बोर्ड चाहिए भाई, तो इस वजह से मैं थोड़ा बोर्ड को पूरा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑन डिफरेंशिएट, ऑन इनडिफरेंशिएट, इक्वेशन 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 फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में, और कॉन्स्टेंट क्या लेते हैं भाई, एक्स, कॉन्स्टेंट एक्स। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि अपोन में वाई आ जाएगा और यहाँ एक्स आ जाएगा, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे, वाई कॉन्स्टेंट, दोनों साइड सेम हो जाएगी और फिर इन दोनों को इक्वल कर देंगे। आगे मैक्सवेल की इक्वेशन, आगे मैक्सवेल की इक्वेशन, बताओ इसमें कोई समस्या तो है नहीं, ठीक। कराओ इसका डिफरेंशिएशन, पहले डेरिवेशन कर लो, लेंथी डेरिवेशन है भाई, 20 मिनट होगी और कभी भी अभी कुछ भी नहीं हुआ डेरिवेशन में। देखो इसका वाई के रेस्पेक्ट में कराओ तो डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स इंटू वाई तो था ही, एक्स भी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू। अब यहां क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही, कराओ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, डी टू फाई ओवर डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में गया, वाई के, तो डी वाई डी एक्स एट द रेट कॉन्स्टेंट एक्स वाई हो गया। अरे एक्स वाई क्या, वाई एक्स लिख लो, लो ठीक। प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा ही, डी फाई बाई डी एक्स वाई, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का वाई के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट क्या लेना, एक्स। भाई कैलकुलेशन का ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्या पता मैं ही मिस्टेक कर दूं, ठीक है, ठीक है।
बताओ अभी चर्चा करेंगे भाई, पहले यहां आ जाओ। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, अब इसको करो माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, किसके रेस्पेक्ट में करना, वाई के, एक्स कॉन्स्टेंट रखना, तो डेल 2v अपॉन डेल वाई डेल एक्स वाई कोमा एक्स। अब प्लस बाहर माइनस हो, उस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा ही, जो बेचारे नहीं जुड़े होंगे ना सोच रहे होंगे कहां हम फंस गए हैं, डेल पी ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स। बताओ कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या। ये इक्वेशन नंबर कौन सी मान लो भाई, 7। ये इक्वेशन 7 मान लीजिए, मान ली। अब इसका कराओ ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन 6 विद रेस्पेक्ट टू, इसके में एक्स के रेस्पेक्ट में करो एट कॉन्स्टेंट, इस पे कॉन्स्टेंट वाई लो, ले लिया। कहीं गलती हो तो एकदम बता देना, कभी मैं ही जल्दी जल्दी में भावनाओं में बह जाऊं और गलती कर दूं। ये वीडियो ले सकती है भाई 1 घंटा, 1 घंटे से भी ज्यादा ले सकती है, क्योंकि इसे मैं सेक्शन को, टॉपिक को 2 लेक्चर में कंप्लीट कराना नहीं चाहता। मैं सोच रहा हूँ एक ही लेक्चर में इसे हम फिनिश करें, तो कराओ इसका डी टू वाई नहीं सॉरी, ये यू है, डी टू यू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई ऐसा ही एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा ही डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, डेल 2 फाई ओवर ओवर डेल एक्स डेल वाई एट द रेट कॉन्स्टेंट एक्स, तो था ही इस बार वाई भी ले लिया। प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा ही डेल फाई ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट डेल टी ओवर डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई हो गया। अब इस पे आओ सॉरी, माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, कितना डेल 2v डेल वाई डेल एक्स कॉन्स्टेंट एक्स कोमा वाई, सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा है डेल वी ओवर डेल एक्स सॉरी डेल वी ओवर डेल वाई है, डेल वी ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डेल पी ओवर डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। बताओ दिख गया, इसे क्या मान ली मैंने, इक्वेशन नंबर 8। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब मैं नीचे गए रफ कर रहा हूं, इसका काम मेरा खत्म हो गया है। अब 7 और 8 से देखो आप प्यारो, 7 और 8 से ये दोनों साइड सेम है या नहीं है, वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, ये वाली साइड डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई एक्स कह लो चाहे एक्स वाई कह लो, किसके इक्वल है डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इंटू एक्स कोमा वाई। सो जब भाई ये दोनों इक्वल है, यानी के तो एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगी। देखो इक्वल रखवाओ यो सारी साइड इसके इक्वल, पता नहीं यहां आएगी भी या नहीं, देखता हूं मैं, कोशिश करता हूं यहां आ जाए। ठीक देखो टी भाई थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि आ जाए, बता देना दिख रहा है या नहीं दिख रहा, डेल वाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई कोमा एक्स, यहां तो नहीं आ रही भाई, एक ही साइड आएगी। चलो कोशिश करता हूं मैं थोड़ा सा नीचे लिखने की, टी डेल 2 फाई ओवर डेल वाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई कोमा एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई डेल टी ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स माइनस पी डेल 2v, और कोई भी टर्म अगर मैं मिस कर देता हूं तो बता देना स्टूडेंट्स। अभी तो एक ही साइड लिखी गई है, ठीक है, इज इक्वल टू का निशान यहां लगा दूं, यहां लगा रहा हूं यहां बीच में को इज इक्वल टू। अब ये वाली टर्म लिखी गई है, अब ये वाली टर्म लिखी जाएंगी। भाई मैं पहले बताऊं डेरिवेशन बहुत खतरनाक है, इसी वजह से मैं इसे आज ही खत्म करूंगा, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 1, इतना लंबा टाइम नहीं लगने का, घबराओ मत। ठीक है ये टर्म लिखी गई, प्लस
डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स इंटू वाई माइनस ये वाली टर्म पी डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स एक्स कोमा वाई डेल वी ओवर डेल वाई एट एक्स डेल पी ओवर डेल एक्स एट वाई। दिख रहा है नहीं दिख रहा बताइए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं ऊपर का सारा रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि अब हमारा मेन काम अब चल रहा है। चलिए आओ देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखो जैसे ये वाली टर्म है इधर ये वाली टर्म है ये कैंसिल आउट हो सकती है ये कैंसिल आउट हो गई। और ये देखिए ये वाली टर्म है माइनस के पी डेल टू वी और इधर ये वाली टर्म देखिए क्या ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो सकती है। हो सकते हैं बीच में माइनस होगी कैंसिल आउट। अब मेरे पास बचा क्या भाई इधर की साइड मेरे पास क्या बचा है डेल फाई ओवर डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डेल टी ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स। लो आपका काम पूरा हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना यही थी मेन इक्वेशन तो हमारी घबराओ मत। माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डेल पी ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इज इक्वल टू ये तो कट गई ये वाली माइनस ये वाली डेल वाई ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स और डेल वी ओवर डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई माइनस डेल वी ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स। भाई देखो राइटिंग थोड़ी साइंस वाला हूँ तो राइटिंग से जज मत करना क्योंकि कुछ मैंने कहते सुनते हैं अपने इधर की उनकी तो राइटिंग बहुत गंदी है। भाई साइंस वालों की तो राइटिंग ही साफ नहीं होती। इसे बताओ यहाँ समझ में आया मेन चीज ये आई है। ठीक है देखो यही क्या आया दिस इज नोन एज मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक इक्वेशन मैक्सवेल थर्मो। यहाँ आके हमारा काम क्या हो गया खत्म। अभी हमने इक्वेशन निकाली है अभी हमने रिलेशन नहीं निकाले। आई लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन आई है ना बहुत खतरनाक आई है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम रिलेशंस निकालते हैं। ठीक है चलिए बस अब हमारा काम खत्म। अब थोड़ा सा शांति का नाम लीजिए। ठीक अब करते हैं। ठीक अब यहां पर केस आते हैं केस फर्स्ट। पहला केस फर्स्ट क्या कहता है भाई ये मैं नहीं कह रहा ये हमारे मैक्सवेल ने कहा था अगर हम टी को एक्स के इक्वल ले लें और वी को वाई के इक्वल ले लें अगर हमें पहला केस ये मिलता है यानी कि हमने x और y जो लिए थे x t के इक्वल ले लिया और y वॉल्यूम के तो आप इस t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कराना 1 होगा y के रेस्पेक्ट में कराना y तो इधर है ही नहीं 0। ऐसी इस v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इधर तो y है 0 और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1। ये मैंने इक्वेशन नंबर ए मान ली ये मेरी कैपिटल ए मान ली इक्वेशन समझे भाई। हमने क्या किया टी इक्वस टू एक्स वी इक्वस टू वाई टी का एक्स के रेस्पेक्ट में करा तो 1 वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे इधर तो वाई है नहीं तो कॉन्स्टेंट एक्स है 0 ऐसे इधर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में 0 वाई के रेस्पेक्ट में 1 ये चीज समझे। अब मैं ये वैल्यू किस में कर रहा हूँ ए में पुट कर रहा हूँ। देखो इधर क्या डेल टी ओवर डेल वाई मेरा 0 है तो ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स 0 है तो ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा तो इधर की साइड तो पूरी 0 ही हो गई है मेरी पूरी ही 0 हो गई है। ठीक
अब इधर की साइड आते हैं हम, देखो डेल फाई ओवर, डेल फाई ओवर डेल वाई, वाई की हमने किसके इक्वल मानना है, वी के, डेल वी हो जाएगा, एट कॉन्स्टेंट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और डेल एक्स की जगह वाई कह रहा, सॉरी एक्स की जगह आ जाएगा टी, इंटू डेल टी ओवर डेल एक्स, ये किसके बराबर, वन के बराबर, माइनस डेल वी ओवर डेल वाई किसके बराबर है, वन के, यहाँ तो वन आ गया, इंटू डेल पी ओवर डेल एक्स, एक्स की जगह क्या है टी, तो डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वाई किसके इक्वल है, वी के, तो ये माइनस का है इधर आके प्लस का, ये माइनस का है इधर आके प्लस का, तो डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी और डेल फाई ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये आपका आ गया मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन, लिख लो इट इज मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन, इट इज मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन। लो जी इतनी महाभारत के बाद हमारा क्या आया, मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन आया, कुल मिला के कितने रिलेशन है, छह रिलेशन है, स्क्रीनशॉट ले लिया ठीक। अब आओ केस सेकंड में, केस सेकंड में, केस सेकंड, केस सेकंड क्या कहता है भाई, मान लो एक्स तो टी के इक्वल है और वीक नहीं पी के इक्वल वाई है, पी के इक्वल वाई है, तो वी की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा ठीक। अब ए में वैल्यू पुट कराओ, समझो भी ध्यान से, सेम पहले जैसे ही प्रोसीजर किया है मैंने, क्या किया है भाई, पहले टी एक्स के इक्वल था, वी वाई के इक्वल था, अब टी तो एक्स के इक्वल है, पी वाई के इक्वल है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में तो वन, वाई के रेस्पेक्ट में जीरो, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो क्योंकि इधर एक्स है ही नहीं, वाई के रेस्पेक्ट में वन ठीक ठीक बताओ। अब करते हैं सोल्व, वैल्यू रखाओ यहाँ, डेल फाई ओवर डेल एक्स, डेल टी ओवर डेल वाई, डेल टी ओवर डेल वाई जीरो के बराबर है, तो ये तो पूरा ही क्या हो गया, जीरो, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स तो यहाँ है ही नहीं, डेल पी ओवर डेल वाई वन है, तो यानी कि यहाँ क्या बचेगा भाई, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो डेल टी एट कॉन्स्टेंट वाई की जगह क्या आ जाएगा, पी इंटू डेल पी ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स किसके बराबर है, वन के, तो यो भैया वन आ गया यहाँ पे, इज इक्वस टू डेल फाई तो यहाँ कहीं आई नहीं, डेल टी ओवर डेल एक्स वन के बराबर है, तो यो वाली टर्म जीरो नहीं हुई, तो कितना आ गया, डेल फाई ओवर डेल वाई किसके बराबर है, पी के एट कॉन्स्टेंट एक्स किसके बराबर है, टी के, इंटू वन माइनस डेल वी ओवर डेल वाई तो यहाँ ही नहीं, लेकिन डेल पी ओवर डेल एक्स किसके बराबर है, जीरो के, तो माइनस जीरो, तो क्या आ गया आपका रिलेशन भाई, माइनस के डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, इट इज मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन, ये मैक्सवेल का क्या आ गया, सेकंड रिलेशन ठीक। टी एक्स हो गया हमारा, वी वाई हो गया, टी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, अब मैक्सवेल के थर्ड रिलेशन पर, केस थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, केस थर्ड पर टी की जगह फाई एक्स हो सकता है और पी की जगह पर वी वाई हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता बताओ, कुछ भी सीन हो सकता है, तो ये हम अपने पास से नहीं मान रहे, ये जो हमारे मैक्सवेल जी ने माने थे हम वही एज्यूम कर रहे हैं। देखिए फाई, पहले हमने टी एक्स वी वाई, फिर टी एक्स पी वाई, अब फाई एक्स वी वाई, फिर फाई एक्स पी वाई, तो देखो यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ पी की जगह पहले की तरह ही क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब वैल्यू रखा हुए में, अब तो कुछ नहीं, अब तो कहने नेपाली कट्टा जाके क्या है ये अब हलवा है, अब हमें क्या करना है, हलवा का खाना है बस ठीक, बताओ चलें। अब वैल्यू पुट कराओ, डेल फाई ओवर डेल एक्स तो क्या है, वन, और डेल टी ओवर डेल वाई यहां है नहीं, ये तो वन हो गया, इंटू क्या बचा, डेल टी ओवर डेल वाई, वाई किसके इक्वल है, वी के, इंटू एक्स, एक्स किसके इक्वल है मेरा, फाई के, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल एक्स
किसके बराबर है, जीरो के। तो ये तो पूरी जीरो की मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल वाई, जीरो है तो इसे पूरे के ही जीरो बना देगा, माइनस डेल वी ओवर डेल वाई वन है, और इधर क्या है डेल पी ओवर डेल एक्स, यहाँ कहीं पी वाली वैल्यू है ही नहीं, तो डेल पी ओवर डेल एक्स, एक्स की जगह क्या रख दोगे फाई रख दोगे, इंटू वाई, वाई की जगह वी, तो ये सारी टर्म तो जीरो, यहाँ क्या बचा डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट फाई इज इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल फाई एट कॉन्स्टेंट वी। लीजिए ये मैक्सवेल का कौन सा रिलेशन आ गया भाई, थर्ड रिलेशन। वेलकम फोर्थ रिलेशन आते हैं, फोर्थ रिलेशन पे हम क्या लेंगे फाई एक्स पी वाई, अब वी की जगह पर क्या बना दो पी बना दो, ठीक। अब पी बनाओ, लेते हैं रिलेशन, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे वन, वाई के रेस्पेक्ट में जीरो, एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो, वाई के रेस्पेक्ट में वन, सेम वैल्यू पुट कराओ भाई, रिलेशन है ये प्रूफ फर्स्ट ईयर में आपकी बुक में बड़े खतरनाक तरीके से होते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को सरल तरीके से बनाने की, ठीक है। बहुत से बच्चे तो थक गए होंगे बेचारे, देखो अतुल जी अब तक लगे हुए हैं, डेल फाई ओवर डेल एक्स वन है, वन हो गया ये तो, इंटू डेल टी ओवर डेल वाई, डेल टी ओवर डेल वाई, वाई की वैल्यू कितनी है पी, एट कॉन्स्टेंट एक्स माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, वी तो यहाँ आई नहीं, डेल पी ओवर डेल वाई वन है, तो भाई यही बचेगा माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, एक्स कितना है फाई, डेल फाई ओवर वाई, वाई की जगह पी है भाई, यहाँ भी सही करो, एक्स की जगह फाई लो, इज इक्वल्स टू डेल फाई ओवर डेल वाई जीरो माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स जीरो, तो जीरो ये माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का, तो क्या बचेगा डेल टी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट फाई, माइनस का है दूसरी तरफ जाके प्लस का, डेल वी ओवर डेल एट कॉन्स्टेंट पी, इट इज द मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। आ गया फोर्थ रिलेशन, इसके अभी तो दो रिलेशन हो रहे हैं, कर लेते हैं उन्हें, मैं फिर आपको होमवर्क दे देता हूं कुछ, कर दो रफ। अब इधर t हो और इधर फाई हो, टी एक्स हो फाई वाई हो सकता है नहीं हो सकता, टी एक्स हो फाई वाई हो, टी इक्वस टू एक्स फाई इक्वस टू वाई, मैं सारे वेरिलेशन ले रहा हूं जो आपने नहीं पढ़े, ये सारे बुक में भी चार मेरे अकॉर्डिंग चार दिए हुए हैं मैक्सवेल चार रिलेशन, लेकिन हम जब कर रहे हैं तो पूरा ढंग से ही करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, वो है ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ देखे हमने टी आ गया, यहाँ पी की जगह क्या आ गया फाई आ गया, वैल्यू पुट कराओ, मैक्सवेल का कौन सा केस ले रहे हैं, केस फिफ्थ ले रहे हैं, और इसके बाद सिक्स, और उसके बाद जय श्री राम सब खत्म, ठीक। चलिए आओ ए इक्वेशन में, डेल फाई ओवर डेल एक्स जीरो, तो ये तो पूरा जीरो ही हो गया, माइनस डेल वी ओवर डेल वी तो यहाँ आई नहीं, डेल पी ओवर डेल वाई, देखो हमने क्या लिया टी लिया है और फाई लिया है, तो इधर देखो पूरा का पूरा सारा सीन देखना बहुत ध्यान से, नहीं तो गलती कर लोगे, या आपको होमवर्क में दे दूं कल, चलो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, केस फिफ्थ और केस सिक्स, केस फिफ्थ कर लोगे यार इतना तो, अब तो कोई बचा ही नहीं है, ठीक है। चलिए आप होमवर्क में लीजिए, देखिए यहां मल्टीप्लाई में बचेगा सीन, बड़े ध्यान से समझना, देखो यार चलो बता ही दूं, नहीं तो आप ये कहोगे कि जो आसान थे वे तो भैया ने खुद कर दिए और जो हार्ड थे वे हमें दे दिए, ठीक। डेल फाई ओवर डेल एक्स जीरो बता ही दूं, नहीं तो आप फिर आपको वन, देखो डेल फाई ओवर डेल एक्स कितना है जीरो जीरो, इसमें वी और पी है, यहाँ पे ना मेरा वी है ना पी है, तो ये तो पूरी टर्म ऐसी की ऐसी बचेगी, इधर आओ डेल फाई ओवर डेल वाई वन है और डेल टी ओवर डेल एक्स वन है, समझना ये वन बचेगा, ये टर्म बचेगी, ये वन बचेगा, माइनस डेल वी ओवर डेल वाई और डेल पी, इनमें से कोई सा नहीं है, ये टर्म ऐसी बचेगी, समझना ये वाली टर्म
और ये वाली टर्म और ये वन बचेगा, कंप्लीट बचेगा। इसी वजह से आपकी बुक में केवल और केवल चार रिलेशन दिए, पांचवा रिलेशन बड़ा अजीब आता है। और आपको केस सिक्स दे रहा हूँ, होमवर्क करना और कल कमेंट में आंसर बताना। केस सिक्स क्या है? फाइव एक्स वी वाई, फाइव एक्स और वी वाई सारे ही जीरो नहीं होंगे, रिलेशन थोड़े अलग है, समझना। फिफ्थ और सिक्स रिलेशन जो है बाकी के दो रिलेशन से थोड़े डिफरेंट है, ठीक। उन्हें अटेम्प्ट करके देखना आप खुद, नहीं हुए तो कल मैं कराऊंगा, ठीक। गुड लक, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।